lancio. Love me! So I would like to invite Beat Rose and Khushbu Garewal on the stage to launch our song now. कोई छल कपट नजर नहीं आया,
तो फिर जब बिग बॉस ने हमसे टीचर लोगों का बाइक मांगी थी तो बाकी आधे लोग मेरे दोस्त थे, तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन हमने उस पर बोला कि ये दोनों बड़े पसंद है, कि पुनीश एक रियल बंदा लगता है। तो इसने बाद में वो बाइक देखी और फिर इसने रात को फोन किया, मेरा नंबर ढूंढ के कि भाई आपने मेरे बारे में बोला था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हम मिले और उसके बाद इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, हमने कहा वीडियो करते हैं तुम्हारी केमिस्ट्री उस पर दिखाएंगे वीडियो में। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। देखो मैं तो बहुत वाइल्ड चाइल्ड हूँ, वो मेरा भाई बहुत सीधा है, तो इसलिए दोनों को वाइल्ड बॉल से चले जाते हैं, लेकिन अब एक ही जा सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जाएंगे तो डूबेंगे तो एक साथ ही डूबेंगे, लेकिन आपको बता दें हमारे इस जो आज ये वीडियो आप देख रहे हो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट, वैसे पूरी टीम है लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं निखिल, इन हैव यू है जरूरी फोटोज होगी जरूरी प्रोड्यूसर ऑफ वीडियो हेड ऑफ आवर म्यूजिक लेवल। हाँ जी, सो या बिग बॉस में जरूर जाना चाहेंगे आप लोग, अगर कुछ करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये गाना जो है इट्स ऑन लव, आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि लव शुड बी स्प्रेड एंड लव मी गाना एक गाने का नाम है, और आपको मालूम है कि लव की बहुत कमी है दुनिया में, तो आप लोग आजकल डिजिटल इज द पावर एंड यू शुड स्प्रेड दिस लव थ्रू योर डिजिटल चैनल्स एंड थ्रू योर मीडियम्स, तो हमें मीडिया सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का प्यार रहेगा तो लव चारों तरफ फैलेगा और वायरल हो जाएगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों वायरल हो जाएगी। जब भी कहीं किसी भी चीज के अंदर जाता है तो वहां रोमांस ही करता है। डांस पे कुछ पूछना तो विष्णु सर से पूछिए कि उनके स्टेप्स के हम लोग पहले शुरू से, तो विष्णु जी बताइए थोड़ा आगे कैसे निकल रहा है आगे। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और रेस आल्सो वेरी मैटर ऑफ डांस, दे वांट टू लर्न एवरीथिंग ईच एंड एवरी स्टेप्स एंड जब तक प्रॉपर्ली नहीं आया सब ट्राई किया, जैसा जो सॉन्ग बना था मैं देख रहा जैसे सब लोग मेहनत कर रही है बहुत अच्छे। देखिए ये मेन वोकल्स में खुशबू के हैं, हम लोग बीच में रैप करने आते हैं जैसे चिड़िया लाइन में आते, तो अभी मेन जो हमारी हीरोइन की आवाज़ जो हीरोइन के पीछे जो हीरोइन की आवाज़ है वो और है।
सॉरी मेरा GPRS बोल उठा, सॉरी यार। वो बोल रहे हैं कि हमने आपको पहुंचा दिया लोकेशन पर। हाँ थैंक यू फाइनली। हाँ जी बोलिए। तो क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में? ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट्स अ वेरी नाइस मूव एंड आई रियली लाइक म्यूजिक। तो मैंने अभी तक गाना नहीं सुना है बट आई एम श्योर दैट म्यूजिक से रिलेटेड हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। बंदगी और फनीश दोनों एक साथ फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं नहीं सेकंड टाइम। सॉन्ग उन्होंने फर्स्ट टाइम। ओके तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हो उन दोनों को देखने के लिए? मैं देखूंगी उसके बाद। मुझे रियली आई वांट टू सी देयर हॉट केमिस्ट्री टुगेदर, फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग ऑन स्क्रीन टुगेदर। सो या एंड मीट ब्रदर्स, आई थिंक दे आर फिनोमिनल। उनके बारे में क्या बोलूँ? खुशबू ने सॉन्ग गाया, उसके लिए क्या कहना? खुशबू इज वेरी गुड एंड ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट द एल्बम व्हिच आई गॉट टू नो फ्रॉम बंदगी एंड पुलिश। कि मैम बिग बॉस 12 आ रहा है तो कितना एक्साइटमेंट है? अगर आपको मौका मिला तो आप बिग बॉस के घर जाना पसंद करेंगे? I have my best wishes to all the contestants for Bigg Boss 12. आप जाना पसंद करेंगे? देखते हैं, इस बार तो मुझे नहीं लगता I'm gonna be part. कोई ऐसा आपको हम भी सिंगल एल्बम में देखेंगे, मतलब ऐसे कोई धमाकेदार आपके दोस्तों के साथ में जिसमें मैं गाऊंगी और आप मेरे साथ रहोगे इर्द गिर्द? मेरा एक एल्बम बनेगा जिसकी स्टोरी लाइन सिर्फ जर्नलिज्म पे होगी एंड यू आर गोना बी द हीरो ऑफ दैट। लेकिन एक्टिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, हम करा लेंगे, वो तो फ्लो में चले जाता है। वो अभी लिखा जा रहा है, द क्रिएटिव थिंग्स आर वर्किंग, यू आर वर्किंग ऑन दैट थिंग। थैंक्स डार्लिंग। घर का कपड़ा है, इफ आई एम लुकिंग रियली नाइस देन प्लीज आई रियली थैंक यू। आई मतलब मैं दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ। ओके मैम, टेलीविजन जो एक्ट्रेस होते हैं आजकल बड़े सिनेमा ज्वाइन कर रहे, जैसे कि हमने मॉर्निंग रॉय को देख रहे हैं, तो हम आपको कब देख पाएंगे बड़े टेलीविजन बड़े सिनेमा बॉलीवुड? नहीं पता, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गोल्ड। एक तो ट्रू स्टोरी है एंड मुझे वो ट्रू स्टोरीज एंड ट्रू इवेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई जस्ट वांट टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड शी इज ऑलरेडी डूइंग गुड बट शी इज गोना डू इवन बेटर इन लाइफ। थैंक यू सो मच। मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक लग्जरियस कार ले ली है। थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है आपकी लग्जरियस कार? आज पहला दिन है, बहुत अच्छी चल रही है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई मॉम इज सो प्राउड ऑफ मी एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू यू नो। जब आई 5 साल पहले मैं एक्चुअली उसी शोरूम में काम करती थी, आई वॉज वर्किंग एज अ इंटर्न, मार्केटिंग इंटर्न, एंड नाउ 5 years लेटर आई बॉट माई ओन BMW। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव दैट थिंग। क्या बात है। तो वहाँ के जो लोग भी थे तो क्या फीडबैक था उनका? दे वर सो हैप्पी। दे आई रिमेंबर दिस गाय जुनैद हु वॉज माई बॉस, इज लाइक 5 साल पहले यू वर हियर वर्किंग फॉर मी एंड राइट नाउ यू आर बाइंग योर ओन BMW। इट्स ही एवरीवन सो हैप्पी फॉर मी, दे प्राउड ऑफ मी। तो राइडिंग के दौरान आपके बाजू वाली सीट पे कौन होना चाहिए? माय ड्राइवर, बिकॉज़ आई कांट ड्राइव। अगर आप ड्राइव कर रही हैं तो आपके बाजू वाली सीट पे कौन होना चाहिए? माय मॉम एंड माय डॉग चार्ली। कोई एक्टर ऐसा जो आपका फेवरेट हो? ओके जो आपका हम बहुत अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी कि यू नो ऑलवेज इट्स ऑलवेज बिन कि करिश्मा रागनी MMS बोल्ड एक्ट्रेस विद हम। आई फील कि बहुत सारे लोगों ने मेरी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया है, सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि लोग मेरी एक्टिंग देख रहे हैं ना कि जस्ट बोल्ड देख रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु बिन राइटिंग अबाउट मी सेइंग करिश्मा विल ब्लो योर माइंड एंड शी इज़ वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई एक्टिंग बिकॉज इट मेक्स मी रियली हैप्पी। और जो फिल्म ऋतिक की जो फिल्म है सुपर 30, अगर आपका जो उसमें आई हैव बीन इट्स नॉट येट फाइनलाइज्ड, वी आर स्टिल
you know, it's gonna happen, maybe, maybe not. You guys will know very soon. But I hope I get it. So it'll be a very good opportunity to work with Hrithik Roshan, to share the space with Hrithik. Okay, Punish and Bandhi ko kya wish karna chahenge aapke andaaz mein? Best of luck, guys, and I hope you guys kill it and keep making good music. Thank you so much. Friendship day hua hai. No, to aapke friendship mein aap believe karte hain friendship mein. I think friend hai aapka jo sabse zyada kareeb. तो आई हैव टू वेरी गुड फ्रेंड्स नताशा एंड साची एंड आई थिंक उनके बिकॉज बॉम्बे से हूँ नहीं मैं, मेरी मम्मी नहीं रहती हैं बॉम्बे में, तो आई फील जब हम दूर रहते हैं अपने फैमिली से तो हमारे फ्रेंड्स ही हमारी फैमिली बन जाते हैं एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ. सो थैंक यू सो मच टू ऑल माई फ्रेंड्स. मे बी आई हैव जस्ट 5 फ्रेंड्स, ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर एंड मेकिंग माई लाइफ सो स्पेशल. बिग बॉस आने जा रहा है, तो बिग बॉस को लेकर आप कितने एक्साइटमेंट है? बिग बॉस 12 आने जा रहा है. आई एम नॉट अ बिग बॉस फैन गाइस. I don't watch TV, so but I'm excited for people who've been there. I had got a call for Big Boss also this year, but I just think that I'm not ready for it mentally. Maybe in 2-3 years you might see me in Big Boss. Who knows? Call aaya tha. Ha. आपको अगर एल्बम अगर आपको ऑफर हो तो क्या करना चाहेंगे आप? एल्बम एज अ सिंगर और एज अ फीचर? आई मीन आई एम श्योर आप सबने देखा है इसमें तेरा घाटा एंड आई सिंग ऑल्सो. सो आई माइट बी फीचरिंग, आई डोंट नो, अगर ऑफर मिला कोई अच्छा सिंगर हो और मैं, इफ ही कैन ब्रिंग आउट माई सिंगिंग करियर, सो आई माइट एज वेल. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. फ्यू सेकंड्स. क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? आप गाने को देख कर आ रहे हैं, आप बताइए कि क्या विश करना चाहेंगे आप अपने अंदाज में ये ब्यूटीफुल कपल्स को? भाई ये दोनों ने BB11 में हमारा बहुत दिल जीता, बहुत मजा आया इनका प्यार देख के. बीबी में कभी लगता है कि प्यार चलेगा नहीं, लेकिन इनका प्यार देखो अभी तक फुल ऑन चल रहा है. ब्लेसिंग है आपकी सर. इससे जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया सब हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब. Thank you, sir. We are very happy. I love the song. Thank you. Thank you. We loved your song. God bless. Super. Thank you, sir. And now we leave you all with BB11 people. You know. Thank you. आप जा रहे हो? बोलिए. Good night. Bye. अर्षी जी खाना नहीं खाया? अर्षी जी क्या सारी चीजें? कोई बात नहीं. अरे शुभ शुभ बोलो. शुभ 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 शुभ. मिक्स मत करो. कोई बात नहीं. विश इन दोनों को ऑब्वियसली अभी मुझे बीच में ही खड़ा कर दिया ऐसे. माँ वाला वापस इफेक्ट आ रहा है मुझे. देखो माँ तो किसी की, मेरी तो बहन है और माँ बहन करने में बहुत आगे हूँ. बहन भी मत बोल तू. नहीं चिल्पा, मुझे इसको देख के रोना आ रहा था जैसे कि चिल्पा. एक्चुअली हम लोग रोज मिलते हैं ना इसीलिए. हाँ इसीलिए दोनों बिजी होते हैं. हम दोनों यार राइट. अच्छा यार राइट. ये इसका जवाब आप लोगों को बताओ. सलमान भाई के साथ 10 के दम. हाँ इसका जवाब ये है. बिजी हम हैं. उसका जवाब ये है कि ये दोनों बिजी है. ओके बिजी लविंग ऑलवेज. और उसका जवाब आपका भी तो आने वाला है. हाँ नहीं नहीं ऑलवेज ब्लेसिंग्स रहेंगे. और ऑब्वियसली जैसे BB11 में बोलते थे इन दोनों के लिए, तो उसके वजह से और भी ज्यादा खुशी हो रही है दोनों के लिए. तो पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है शिल्पा को देख के इतने दिनों बाद. इतने महीनों बाद. हाँ कसम से. हाँ और पूछिए और बोलिए. आपने सॉन्ग देखा है तो कैसा लगा? जैसे बिग बॉस की केमिस्ट्री थी ऑफिसर ने.
वही बिग बॉस की केमिस्ट्री मैंने ऑन स्क्रीन नहीं देखी थी ना, तो अभी मैंने शिल्पा के जाने के बाद चुप के हेलो पूरा हिंदुस्तान देख रहा था चुप के एलसी देखो तो अच्छा पूरे वो हिंदुस्तान के लिए था, हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए हम थोड़ी बहुत बिचिंग कर लेते थे अच्छा क्या चल रहा है हाँ क्या हो रहा है लेकिन ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी. मैंने देखा गाना बंदगी एज यूजुअल लुकिंग वेरी हॉट एंड पुनीश एज यूजुअल तेरा भाई किससे काम है रोमांटिक बहुत ज्यादा रोमांटिक लग रहे हैं तेरे भाई मैं भी दम है ऑफ कोर्स बहुत है लुकिंग चाहेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल कपल है इन्हें अब जल्दी शादी कर लेनी चाहिए. नहीं शादीवादी की बकवास बात मत बिल्कुल सही. शादी क्या होता है शादीवादी कुछ नहीं, शादी आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक साल भर का बस इनफ. और मेरे ख्याल से मैं इन्हें सिल्वर स्क्रीन पे देखना चाहूंगी दोनों को सीरियसली टुगेदर. ये सही आंसर मिला. यस यस शादी का दोनों का हाँ दोनों को सिल्वर स्क्रीन पे देखना है, बाकी शादीवादी की बात छोड़ो. अच्छा आप तीनों से ही जानना चाहेंगे विकास क्या आप तीनों भी शादी नहीं करेंगे? क्या वो सांप ठीक है? कुछ तो लोग मेरे बाबा ने गाना सिखाया था मुझे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार कहीं मर ना जाए एनाकोंडा. आई होप सांप ठीक है. नहीं 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 जो भी जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए हमारे बेस्ट विशेस हमेशा है, तो कोई किसी से कुछ बैर नहीं. अच्छा ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था. बिग बॉस एक्स जोड़ी अगर चाहती हो कि इस बार कोई पार्टनर बनके जाए इस सीजन में तो कौन होगा? पुनीश और बंदगी जाएंगे और कौन दोबारा पार्टनर बनके नहीं मिल सकता दोबारा अंदर के बोलेंगे बिग बॉस सीजन ही बंद कर दो अभी बहुत हो गया. हाँ नहीं जाना भी नहीं है. आई डोंट थिंक हम जाएंगे. कौन से कपल होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? From the ex big boss ये पुनीश और शिल्पा शिंदे भाई बहन मींस बहुत लगा देंगे इंडस्ट्री में से कौन जाना चाहिए जो दोस्त हैं जो आप चाहते हैं इन्हें जाना चाहिए. शिल्पा को जाना चाहिए किसी के साथ ऐसे जोड़ी जोड़ी कौन जाना चाहिए वो तो आप लोगों को पता है. हाँ किसके साथ जाना चाहिए शिल्पा जोड़ी किसके साथ? मेरी तो जोड़ी बहुत लोगों के साथ अंदर बहुत अच्छी बनी थी. एक ही लोगों के साथ है. कौन अभी ये कौन है? ये रहा भाई प्लीज. अरे बाप रे शिल्पा जी हीना खान की कसौटी जिंदगी में कोमलिका का रोल करने जा रही है. क्यों आप लोग मेरी बैंड बजाना चाहते हो? मैं पुनीश बंदगी के लिए आई हूँ. ये कौन से क्वेश्चन है? तुम बाद में मिलो मुझसे इसको बहुत पकड़ के मारेंगे. ओके दस कदम में कैसा रहा सलमान? ये ना बात सुपर सुपर नहीं ये सैटरडे टेलीकास्ट हुआ और आई होप मुझे लगता है कि रास्ते पे बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं था. पता पूरा खाली रोड था. सब लोग दस कदम देख रहे थे. सबको दस कदम देखना है. 8 बजे से ही लोग अपने घर पे चले गए थे और सब घर पे थे तो सोचो कैसा होगा. आई होप कि अच्छा है. अच्छा करण पटेल ने आपको घर में भी काफ़ी सपोर्ट किया था, वहाँ किस तरह का रहा? क्योंकि हाँ एक्चुअली सरप्राइज ये था कि करण पटेल वो टेलीकास्ट नहीं हुआ लेकिन करण पटेल जी जो डबल अमाउंट एक्चुअली वो जो अमाउंट जीते थे उन्होंने उसकी आधी अमाउंट मुझे दी. क्या बात कर रहे हो? मुझे मतलब मैं जिस स्कूल को डोनेट कर रही हूँ हाँ मैंने मजाक में बोल दिया ऊपर का थोड़ा बहुत दे दो. मेरे तो 2 लाख दिए नहीं वो जो हम रोज शर्ट लगाते थे आज ये जाएगा 2 लाख आज बॉस 12 आ रहा है 11 भूल जाओ. ओके अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी शिल्पा शिंदे कहाँ पर हैं? ओ स्क्रिप्ट सुन रही हूँ. नहीं कुछ नहीं है फिलहाल है तो कोई काम दे दो. शिल्पा शिंदे दिखेंगे आपको तो काम आता है. शिल्पा शिंदे आपको एक नई मूवी में दिखेंगे बहुत जल्दी. ऐसे सिंगल एल्बम में भी कुछ भी नहीं है. मराठी तो या कोई मराठी मूवी देखने वाले हैं जल्दी. मराठी फिल्म कर रही हैं. हाँ कर रही हूँ ना तो वो एकदम आएगा धमाका आई होप. ओके चलिए जी थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच शिल्पा जी. कुछ एक ये लोग यार चंद्रा जी.
क्या करें यार, सब लोग तुम लोग चले गए हो क्या, पार्टी बंद हो जाएगी, हम जाएं? चलो चलो, हाँ हम हैं, ये चार में तो हमारे ब्रो, चल मैं पहले करूं, रुक जा पहले मैं कर लूं, पहले यार, यार एक साथ ही करना पड़ेगा भाई, फिर सर यहाँ फिर सेंटर में आ जाइए, एक साथ ही सारे अंदर, एक साथ सेंटर तो ये हो ना, अभी तक नहीं हुआ, बेस्ट उधर को इनवाइट, बेस्ट होने के, थैंक यू। अच्छा अभी एक साथ करना पड़ेगा और एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक ही सवाल करते तो लॉन्च रेडी, अपने क्वेश्चन पूछ ही लिए अभी, हां भाई भाई, प्रेजेंट है तो क्या विश करना चाहेंगे आपके अंदाज में फटाफट, वाह प्लीज थोड़ा डाउन, वेल आज मैं पुनीश और बंदगी का नया गाना लॉन्च हुआ है लव मी, उसके लॉन्च पे हूँ, यस यस, तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज द कपल इज लुकिंग सिजलिंग एंड वेरी वेरी हॉट, वेरी हॉट सॉन्ग, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों, एंड ऑफ कोर्स वी नो मीट ब्रदर्स आल्सो बहुत टाइम से, एंड देयर म्यूजिक इज ऑलवेज वेरी गुड, सो ओवरऑल द सॉन्ग इज वेरी नाइस एंड इट्स अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ लॉन्च लाइक दिस, I think कुछ बसा नहीं बोलेंगे बट फिर भी, बट लाइक वंस अगेन बंदगी एंड पुनीश स्पेशली, देयर लुकिंग रियली रियली नाइस, बहुत ही हॉट गाना है एंड खुशबू ने गाया बहुत अच्छा है, एंड म्यूजिक का जो एक ड्रॉप है मतलब टेक्निकली बात करो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंड आई एम ग्लैड है फॉर पुनीश एंड बंदगी दैट डूइंग अ सॉन्ग लाइक दिस टुगेदर, एंड फॉर देम ऑल्सो मी ब्रदर्स, उनका चैनल का एक आई थिंक सेकेंड गाना है, सो इट्स यू नो आई विश देम गुड लक एंड मे दिस यू नो सॉन्ग डू रियली वेल फॉर देम। बॉब मारले हम ना मारे, प्लीज वो गाना देख लो और आज ही जाके यूट्यूब करना, एंड वी वांट हिट्स, वी विल सी कि तुम लोगों ने सबने किया कि नहीं, गिन लो बेबी कितने व्यूज बन गए, 10 सोच ले वापस गिना, 10 10 का मतलब 100 व्यूज होने चाहिए आप लोगों से, आगे भी तो भेजेगा, नहीं मिलेगा, इज द नेम ऑफ द सॉन्ग, प्लीज गो वॉच इट, इट्स अ मतलब ढिंचैक नंबर है, सो जस्ट वॉच, कैसे नहीं देखा, आई डोंट बिलीव, हम यहां ही गाना प्रमोट नहीं कर सकते, हां नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं, आपके बोलो कौन बोल रहा था, कहीं से आवाज आ रही थी, ओह या ये, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जी, चाहिए ये अच्छा है यार, फोन के साथ क्लब का ओपनिंग भी है, हां हां क्लब, अच्छा क्या है क्लब के बारे में बता देना कैसा लगा, पूरा नाम के क्लब कैसीनो बार, कैसीनो बार, कैसीनो बार, सुपर, आप तो देख के आए हो जो लगता है, प्लस अबाउट द सॉन्ग, ठीक है, दो सवाल है, एंड देन यू कैन रोल ऑन, अनिरुद्ध दवे, गौरव शर्मा, ओके स्टार्ट, ओके सर, लव मी सॉन्ग जो है उसका लॉन्च हुआ है जिसे मीट ब्रोज ने गाया है और पुनीत और बंदगी, पुनीश और बंदगी जो है उसमें फीचर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू पुनीश एंड बंदगी, एंड आई होप उनका जो वीडियो अभी आने वाला है उस पर मिलियन एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो, और बहुत ही सक्सेसफुल रहा उनका म्यूज़िक वीडियो, प्लस ये जो क्लब की ओपनिंग हम आए हैं, ये क्लब भी बहुत फेमस हो, बहुत पॉपुलर हो, हम लोगों ने देखा क्लब बहुत अच्छा है, बहुत रॉकिंग क्लब है, ओके बात करें अगर एल्बम की तो काफ़ी ट्रेंड में अभी एल्बम सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, कभी आप चाहेंगे कि आप एल्बम में काम कर सके आप दोनों देखिए हम दोनों कभी काम कर सके तो अपने आप में वन ऑफ इट्स ओन काइंड होगा, क्योंकि दोस्तों की जो एक बॉन्डिंग होती है, जैसे कल फ्रेंडशिप डे था तो उस पर भी बहुत सारे लोग आजकल एल्बम बना रहे हैं, तो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी, गौरव इज़ वर्किंग ऑन दैट, तो हम लोग डेफिनेटली अगर कुछ एल्बम नहीं होगा तो बहुत जल्दी एक सीरीज़ आएगी जिसमें आप हमारे इस जोड़ी को देखेंगे, हमने फुलवा के बाद टीवी पे काम नहीं किया बट स्टिल वी आर इन सो मच गुड बॉन्ड, यस, और मैं तो यही कहूँगा यूट्यूब और जो ऑनलाइन मीडिया है अभी इतना ग्रो कर रहा है कि इसने टेलीविज़न को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है, तो आई होप पुनीश और बंदगी का ये जो सॉन्ग है ये भी सारे रिकॉर्ड्स पिछले तोड़ दे और बहुत अच्छा म्यूज़िक वीडियो साबित हो, आप दोनों अपना कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करना चाहेंगे अगर हमारे साथ, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट, हाँ फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी है नहीं लेकिन हम लोग वर्क कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आएंगे आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।